हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये आप पहाड़ देख के, भारत पेट्रोलियम देख के समझ गए होंगे आज हम थार का रियल माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल हम शिमला के अंदर हैं और यहाँ हिमाचल प्रदेश में आप रेट देखोगे तो 79 रुपी पर लीटर है डीजल का रेट। तो यहाँ ही से फुल करवाते हैं क्योंकि ये है आपका लास्ट पेट्रोल पंप ऑफ दिस लेन, यानी कि इसके बाद लग जाएगा आपका पंजाब। तो वहाँ महंगा होगा तो क्या फ़ायदा है, 7-8 रुपये सस्ता है। तो ऑलवेज सेव योर मनी और ऑलवेज गेट गुड माइलेज फ्रॉम योर कार। ऐसे भैया जी यहाँ पे वेट करते हैं चाबियों का, क्योंकि थार में वाला फीचर नहीं आता है कि आप वो करो, और ये मैंने आपको कई बार बता दिया। तो यहाँ पे फुल करवाते हैं अपनी थार को। फुल कर दो जी डीजल। अभी भैया ने सेकंड गियर में डाल दिया इनमें गियर हो तो कैसे, एक बार करना स्विच कैसे, पहला दूसरा कैसे लगता है गियर। ये चाहिए पहला गियर है, अच्छा चाहिए दूसरा गियर, मतलब इसमें स्पीड बढ़ जाती है अपनी। अच्छा सही है। इसको ना भाई हम टैंक टू टैंक मेथड से जाँचने वाले हैं। ये अपना डीजल ऑटोमेटिक है, मतलब कि इसमें हम पूरा टॉप तक भरवाएंगे, फिर इसको ड्राइव करेंगे जितने किलोमीटर से चलेगी, तो उसके बाद इसको दोबारा फुल करवाएंगे, जितने लीटर्स आएगा उसे डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा एग्जैक्ट माइलेज कितनी दी है। ये मिक्स रहेगा पहाड़ पे और अपना जो हाईवे रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा। भर गई भाई फुल, बस यहाँ पे देखिए एकदम टॉप तक अंकल ने भर दिया है और इसमें आया 2368 रुपये का। हैव अ लुक। चलो भाई अब ट्रिप को रिसेट करते हैं। कर दिया ठीक है भाई। हमारी जो डेस्टिनेशन है ना वो है 371 किलोमीटर, मतलब अपने को लगने वाले हैं 6 घंटे 57 मिनट। अभी इसका भी देखते हैं कि ये कितनी एक्यूरेट रहती है, तो मैं यहाँ पे भी जाके आपकी माइलेज को रिसेट कर देता हूँ। तो हम जाएंगे फ्यूल इन्फो के अंदर, अभी 9.4 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रही है क्योंकि हम लोग इसको हिल्स पे चला रहे थे, तो यहाँ से रिसेट कर देता हूँ। 552 किलोमीटर दिखा रहा है वैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी, जो मतलब रेंज है, यहाँ से इसको रिसेट कर देते हैं, देखते कितनी की माइलेज निकालेगी अपनी महिंद्रा थार डीजल ऑटोमेटिक। देखिए यहाँ पे पुलिस ने रोक लिया भाई हमको और अब हम लोग जा रहे हैं चालान कटवाने के लिए। यहाँ पे चालान कटवाते हैं भाई, अपना कटवाया है भाई चालान। तो जर्सी उतारने के लिए जस्ट सीट बेल्ट खोल दी थोड़ी देर के लिए, उसमें काट दिया 1000 रुपए का। चलो बैठो यार, रोक दिया। और सब थार वालों को रोक रहे हैं, पता नहीं क्या ही चक्कर है भाई यहाँ पे। चालान सीट बेल्ट तुम्हारा सीट बेल्ट कर दिया। तो मनीष जी आपको कैसा लगा अपना 1000 रुपए का कटवा के लाइसेंस पे? हमेशा भाई जब भी आप गाड़ी ड्राइव करो तो सीट बेल्ट चाहे अपने, मतलब एक सेकंड हम भाई पूरी ट्रिप पे सीट बेल्ट लगा के रखी है। और एंड में आके देखो जैकेट उतारने के लिए यहाँ पे शिमला से नीचे हम यहाँ पे आ गए ना पंचकुला आए, यहाँ पे उतार दी कि चलो इतने में कट गया। ये भाई अपना गैलेक्सी ग्रे वाले थार वाले भाई भी कटवा के आ चुके हैं। मनीष भाई फोटो तो काफी अच्छा आ रहा है आपका लाइसेंस भाई, हमारे पास वो आगे साइड डिटेल, मनीष भाई का फोटो देखो। अरुण भाई चालान कट गया तो कोई नहीं, अपना ये तो खा लो। अरे भाई अभी मैं गेम खेल रहा हूँ यार। कौन सा गेम भाई? मैं आज आप सबके लिए एक बहुत मस्त गेमिंग ऐप लेके आया हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक सुरक्षित गेमिंग ऐप है जहाँ पे आप रमी खेलकर पैसा जीत सकते हैं। रमी सर्कल पे 1 करोड़ से ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं, जहाँ पर आराम से कैश गेम खेलकर पैसा जीत सकते हैं। भाई रमी सर्कल पे इंस्टेंट विड्रॉल का फीचर है, मतलब आपके जीते हुए पैसे तुरंत और बड़ी आसानी से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। रमी सर्कल में रमी खेलना बहुत ही आसान है, फोन में काफी स्मूथ भी चलती है। तो भाइयों आप भी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और फर्स्ट डिपॉजिट करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाएं। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। लेकिन भाइयों एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस गेम में पैसों का जोखिम है और आपको इसकी लत भी लग सकती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पर खेलें। अभी पहाड़ तो हमने दिए भाई छोड़, अब अपना वही जो सीधा हाईवे लगता है ना चंडीगढ़ से दिल्ली, वो वाला पकड़ लिया है। अपनी गाड़ी ऑलरेडी चल गई है 79.8 किलोमीटर और माइलेज की अगर हम बात करें तो केपी भाई होम वाला बटन दबाओ जरा अगर, और आप इसको ऐसे सरकाओ, आप जाओ कार इन्फो में और आप जाओ फ्यूल इन्फो में, तो 15.4 के एमपीएल की माइलेज तो यहाँ पे शो कर रही है। और मनीष भाई हमारा बहुत अच्छा ड्राइवर है, देखो 729 किलोमीटर की इसने रेंज ला दी है। अभी हमारा केपी भाई हम मुझसे खाने की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो केपी भाई खा लेंगे, आप मेरे इतने ख्याल रख तो मुझे नहीं पता था भाई, थैंक यू ब्रो। इतने टाइम हिमाचल काजा दूर दूर जाने के बाद फाइनली हम अपने हरियाणा में पहुंच चुके हैं। भाई अभी हम ऑन द वे थे लेकिन मेरे को याद आया आप सभी के साथ पहले कॉस्टिंग शेयर की जाए कि भाई कितना खर्चा बैठ गया हमारी इस पूरी स्पीति ट्रिप में। उससे पहले ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप भाई इस गाड़ी का, मतलब खूब बढ़िया है, कहीं भी ये नहीं टिकी हमारी पूरी ट्रिप में, बस एक जगह टिकी थी और वहां भी बहुत तगड़ी तरह टिकी थी भाई। ये अपना कैशियर था भाई पूरा हमारा गोपाल भाई, बताओ भाई भाई लगभग 55,000 के आसपास लगा है अपना। कैसे कैसे थोड़ा स्प्लिट करके बताओ लोगों को कैसे लग गया। 1000 तो अपने लग गए डीजल के, डीजल के 20,000 रुपए अच्छा के आसपास लगे हैं। और अपना रहने खाने का लगाया, जिसमें रहने का ज्यादा लगा है, खाने का कम लगा है। क्योंकि मैं बताया तो भाई रहने का ना होम स्टे वहाँ पे एक दिन का 4800 रुपए का पड़ता है, तो 3 दिन हम रुके तो 4800 मतलब हो गए 15,000 रुपए का तो रहने का ही रह गया हो गया।
चितकुल में अपने को 1000 रुपए का मिल गया था, बाकी और जगह पे 3000-3000 रुपए के मिले थे, 20000 रुपए अपने डीजल लगाया। तो कोई भाई मतलब प्लान कर रहा हो तो 55-60 हजार रुपए लेके चले अगर आप स्पीडी ट्रिप चार बंदों के साथ करना चाहते हो। बाकी एक एक करके मैं एक्सप्रेस पूछना चाहूंगा चारों भाइयों से, क्योंकि अपनी लास्ट वीडियो है, इसके बाद स्पीति वगैरह सब खत्म कर देंगे हम लोग, उसके बाद अपने नॉर्मल बैक टू रूटीन रहेंगे। तो मनीष भाई आप मास्क नीचे करो जरा थोड़ा सा, आप पूरी ट्रिप पे नहीं बोले, इसका क्या कारण था? भाई बोलता हूँ ऐसी बात थोड़ी यार कि भाई नहीं बोलते आप, बोलता हूं लोगों ने बोला था आपने आपने गाड़ी पे इंजन लाइट ऑन कर दी थी, क्या कहोगे? वो तो भाई अब तुम चढ़ाओगे बेचारी को हो गई जो भूल होनी थी, अब गाड़ी को प्यार से करेंगे, इस पे तो ऐसी पन्नी चढ़वा दूंगा इतनी मस्त लगेगी, पीपीएफ चढ़ी और इस पे मैट बहुत तगड़ी लगेगी, नहीं लगेगी ब्रदर? बिल्कुल। ड्राइविंग में कैसी लगी थार? एक नंबर है भाई, बिल्कुल भी ऐसे अपने को लगा नहीं कि कहीं पे गाड़ी अपनी रुक जाएगी फंस जाएगी, इस टाइप से बिल्कुल भी अपने को डर नहीं था भाई। भाई रफ एंड टफ कार, मतलब हम एक्सपेक्ट सोच भी नहीं सकते कि हम सेल्टोस या क्रेटा से यहाँ पे आ पाते। बाकी गोपाल भाई अपना तो है ही यार, ये बंदे ने पूरी कैश वैश संभाल कर पूरा मस्त अपना बार्गेन करके हर जगह पे हेल्प करिया। और केपी बनना भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है, मतलब कि यार थार जैसी है ना, मतलब और तो कोई गाड़ी हो ही नहीं सकती देख हैं ऐसा मतलब, कैसे भाई जैसे क्रेटा अपने पास क्रेटा है किया है तो वो तो नहीं जा सकते ऐसी ट्रिप पे। हाँ, ये तो है। और एक और मैं बता दूं भाई, ये गोपाल ने इसमें डेंट भी ला दिया है, यहाँ पे हल्का सा डेंट आ गया है, इसने बैठ बैठ के इतने फोटो खिंचवाए हैं, इतने फोटो खिंचवाए हैं, यहाँ पे हल्का सा आपको डेंट ऊपर से देखते हो तेरे में है और सबसे ज्यादा बार बैठा है इसके ऊपर, ऊपर से मतलब अगर आप देखते हो तो डेंट थोड़ा हल्का सा नजर इस पे आता है। अच्छा गोपाल आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई, जो आपने ये मतलब मैंने तो उस टाइम पे तेरे को बहुत बार कहा था कि भाई मान जा मान जा, लेकिन सुनता किसकी है भाई? जब आप अंदर बैठे रहते तो सुनता नहीं है, और बहुत भाई बोल रहे थे गोपाल तो कितना अच्छा लड़का है, बाहर से ऐसे वो बता रहा था, अरुण ऐसे बोल रहा था, यार यार दोस्तों में भाई ये सब चीजें चलती हैं। तेरे को बुरा लगा कहीं भी किसी भी पॉइंट पे? हाँ लगा ना। सेकंड रो में दो लोग बैठे हैं, वो सबसे ज्यादा केपी और गोपाल ही है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करो भाई। बकवास भाई, मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे लगा बहुत ही बोरिंग सा, मतलब पीछे बैठना बिल्कुल भी कम्फर्ट नहीं था यार इसमें। फिर तो मतलब अभी यार आदत सी हो गई, मतलब 5-7 दिन ट्रिप पे रहे हैं तो निकलना और जाने में थोड़ा सा इशू बनता है, उसके बाद तो कंफर्ट ही कंफर्ट है भाई। हाँ कंफर्ट है भाई, बैठने में यार सो नहीं सकते पीछे बैठ के। अब आपकी इच्छा रहेगी ड्राइव करते रहने की तो फिर मतलब यार इस पे चलानी नहीं आती, फिर भी बंदा पहाड़ों में मांगेगा तो वो तो ऐसे ही बोलेगा, केपी भाई की बात पे ध्यान देना, इसकी भी मत देना आप। बाकी भाई बहुत लोग कहते हैं कि बूट स्पेस इसका कम है, हमको तो कोई भी बूट स्पेस की ऐसी खास दिक्कत हुई नहीं, आप देख सकते हो हमारे सामान इसमें कितनी बढ़िया तरीके से हमेशा फिट रहा था। बाकी भाई मैं और मनीष जैसा कि ट्रिप पे अपने ड्राइवर रहे थे तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करी, जैसे हाई स्पीड पे गाड़ी चलती है तो यहाँ से बहुत तेज आवाज आ रही है, चू 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 किसी, ये हमारा पहले से ही आ रही है, मतलब फर्स्ट डे से जब हम इस पे ट्रिप पे लेके गए थे तब से इसमें आवाज आने लग गई थी। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑटोमेटिक जो है ना बहुत कंफर्टेबल होता है ना, हम आपने देखा होगा पार्ट वन में हम थोड़े ऐसे कहते हैं यार जो भगाने का शौकीन होता है वो उसके लिए हम नहीं बना है, बहुत शोर करता है, लेकिन जैसे कल हमने 12-13 घंटे गाड़ी नॉन स्टॉप चली है, थकावट हुई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाई अपना एक ही पैर काम आता है इसमें, मेन ये है भाई ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है रियलिटी में, मतलब एक लेग आपका बिल्कुल फ्री रहता है तो बहुत मस्त है। लाइट्स कैसी लगी भाई? लाइट्स तो भाई बिल्कुल घटिया है, बहुत घटिया लाइट है, जब कोई व्हीकल नहीं आ रहा होता सामने से तब भी नहीं दिखती लाइट इसकी। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व करी, मतलब जो वो वाला फंक्शन होता है ना कॉर्निंग लैंप्स का, मतलब जिधर भी आप स्टीयरिंग करते हो वो बहुत यूजफुल होता है पहाड़ों में, जब टर्न लेते हैं ना पहाड़ों पे यार टर्न ही टर्न होते हैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता इस गाड़ी के अंदर। अब देखो भाई ये हरकतें हैं इस लड़के की, मतलब चलानी नहीं आती लेकिन फिर भी ऐसी जगह पे चलाएगा भाई, नुकसान मत कर कोई को। अरे ओ रुक जा यार, क्यों चला रहा है, हाईवे पे चला लियो। देख बाकी इसकी जो लाइट्स है ना पीछे की वो सबसे फेवरेट पार्ट है भाई मेरा, बहुत ही तगड़ी लगती है, और अभी तक हमने पन्नी वगैरह भी नहीं हटाई है, इसको हटाएंगे भाई, यहाँ पे पहले बर्फ जमी हुई थी पूरी, अब जैसे जैसे मजाक तक बढ़ते जा रहे मैंने बोला था ना तो सब पिघल जाएगा, देखो सब कुछ पिघल चुका है। भाई करनाल में रुके थे हम लोग एक और छोटे से डिनर के लिए, अभी 194 किलोमीटर अपनी कार टोटल चल चुकी है, और एक चीज और है हमने जो है ट्रिप मारी है ना अपनी बहुत ही लिमिटेड सामान के साथ मारी है, देखना लोगों के मैंने देखे फुल भरे रहते हैं लेकिन हमारा केपी भाई देखो कितना कम सामान लेके गए थे, सिर्फ एक बैग, गोपाल दो बैग, मनीष एक बैग, ये देखो भाई अपना यही बूट स्पेस था, मतलब वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, लोगों ने हमसे बोला कि आप प्रिपरेशन के साथ नहीं गए अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन हम तो सही सलामत उल्टे आ गए भाई, यार कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं है, बस ठंड झेल जाओ, आपकी गाड़ी को झेलवा दो एंड यू विल रॉक इन स्पीति वैली विंटर स्पीति, मस्त अपना 3-4 जर्सी ले जाओ और आराम से इंजॉय करो। अब यार ज़्यादा कपड़े ले जाके आप करोगे क्या, एक बात बताओ,
यार सर्दी में नहाता है नहीं कोई और आपको देख कौन रहा है वहाँ, और वो गंदे होंगे कहाँ, तो आराम से एक जोड़ी में 10 दिन निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। अंदर रहती है सारी लेयर्स, जो ऊपर ली हो बस उसको चेंज कर लो अगर ज्यादा जरूरत लग रही है, अगर गोपाल जितना आप स्मार्ट हो तो। फिर भी हमारे गोपाल स्मार्ट ने बताओ एक बार भी नहीं बदला, उन्हीं में गया था उन्हीं में वापसी आ गया। ठीक है तो भैया कितना दिखाएगा मेरे को, इतना भी स्मार्ट नहीं हुआ ना। अभी हम लोग चढ़ चुके हैं भाई केएमपी पे, जिसका नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, और अपनी डेस्टिनेशन जो बची है वो केवल अब 113 किलोमीटर रह गई है। अभी गाड़ी की माइलेज की बात करें जो इसके अकॉर्डिंग चल रही है 14.5 की स्टिल अब भी दिखा रही है। अब भाई मेहनत हार की बात करें कितने तक स्टेबल है, तो भाई ये कुल 120 तक ही आपकी स्टेबल रहती है। अभी 126 पे भी चल रही है, 27 पे चल रहे हैं, तो मेरे को ऐसे लग रहा है हाँ बिल्कुल स्लो कर लो, क्योंकि ये इस टाइप की बॉक्सी डिजाइन है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी इधर उधर स्टेयरिंग थोड़ा गलती से भी इधर उधर हो गया ना, तो गाड़ी आपकी तुरंत पलट सकती है। हालांकि इसमें ESP आता है, पर फिर भी भाई हाई स्पीड्स के लिए ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। प्लस इसका एक फायदा ये भी होता है कि आपका इस गाड़ी के साथ ना चलान बहुत कम कटेगा, क्योंकि भाई जैसे 120 किलोमीटर KMP की, तो ये 120 से ऊपर जाएगी नहीं, मतलब ड्राइवर खुद ही नहीं लेके जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा। प्लस अगर आप लोकल रोड्स की बात करते हो ना, तो आसपास दूसरे व्हीकल दिखते हैं तो बंदा खुद ही इसको स्लो चलाता है। अब ये सीट बेल्ट का तो भाई जैसे आज हमारा कट गया ऐसे कट ही सकता हो, तो किस्मत का खेल है, कब पुलिस वाले मिल जाएं, पूरी जर्नी पे लगा रखी थी, 2 मिनट पहले हटाई तो अब देखो क्या हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे कट भी मारूंगा ना, तो मेरे को बहुत ब्रेक लेनी पड़ेगी, मतलब 80 से नीचे तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके मैं कट मार सकता हूँ, वरना क्रॉस ओवर होती तो मैं 120-130 में सांप बना के ले जाता। ओ भाई इतने दूर घूम के आने के बाद अपनी जगह पे आने का मजा ही कुछ और है। इंड्री के हैं गाइस, हम इंड्री के हैं, निकाल दे, खोल दे ब्रो, खोल दे, क्योंकि हम इंड्री के हैं। कहाँ के हैं? इंड्री के। तो फाइनली हम अपने पहुंच चुके हैं एरिया में भाई, और यहाँ पे अब करवाते हैं फुल। अपनी कार चल चुकी है 367 367 किलोमीटर, सेकंड गियर में लगा देंगे, और यहाँ पे बहुत स्लो है यार आपका गियर तो, ठंडे हो बड़े थोड़ा है, ठंडे हो बड़े थोड़ा गर्म होते हैं। अच्छा यहाँ भी ठंडे होते हैं, फिर तो काजा में तो भाई क्या ही होता, अगर आपकी मशीन काजा में रख देते तो। भाई कुछ ज्यादा स्लो नहीं हो गया, बंद ही कर दिया, अरे बंद मत करो। हाँ ये बात तो, यहाँ पे 2500 रुपये अपना ऑटो कट लग गया था भाई, और यहाँ का रेट है अपने हरियाणा का 87.03, वहाँ पे अपने हिमाचल में भरवाया था 79.79, अब भर गई भाई, बस 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 भर गई भाई ने, भर दिया है 31.22 लीटर आया है 2717 रुपये का। भाई पूरा 20 ही कर दो ना, अब भी कहाँ खुले डोलोगे लेते हुए। अब बार ये भाई कैलकुलेशन करने की, खा दिया है करो भाई, 368.6 डिवाइडेड बाय 31.26, ओ ये आई है भाई 11.79 की माइलेज, और इसमें 13.2, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है भाई इसकी हुंडई या फिर अपना किया की तरह, और इसमें अगर मैं देखूं इसकी भी सेम ही होगी, इसमें भी जो हाँ 13.2 ही दिखा रही है, और अपने को जो एक्यूरेट रिजल्ट मिले वो 11.79 है। तो भाई ये यहाँ पे हम अब एंड करते हैं अपनी पूरी की पूरी स्पीति सीरीज, गुड नाइट, रात के 11:30 हो चुकी है, अब सबको नींद आ रही है। आप सभी का पूरी सीरीज को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और भाई ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं है जैसा लोग करते हैं कि भाई वहाँ पे तो जी नहीं सकते, आराम से हमको कोई दिक्कत नहीं हुई इतने कम सामान में, तो आराम से जाओ इन्जॉय करो, कोई ज़्यादा ऐसा डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है कि आपको तो फंस जाओगे, 4x4 है ना, तो बेझिझक होकर कभी भी चले जाओ, सर्दी गर्मी मज़ा ही आने वाला है। वीडियो देखने के बाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच।